हेलो फ्रेंड्स नमस्ते सभी को आ, हमेशा की तरह हम लोग आज भी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे यानी कि जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पदार्थ की सामान्य जानकारी और फिर हम लोगों ने देखा था कि पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं और पिछले वाले क्लास के अंदर हम लोगों ने ये भी डिस्कशन किया था एस सी uh, के एग्जाम में यहाँ से uh, कौन सा क्वेश्चन बना था और हमने उसके बारे में भी डिस्कशन किया था उसी के आगे हम लोग देखेंगे पदार्थ द्रव्य के अंदर ही तो अब सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक uh, टर्मिनोलॉजी जो आगे के टॉपिक्स को समझने के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे तो उसी कड़ी के अंदर हमारा जो नेक्स्ट सम टर्मिनोलॉजी बोल सकते हैं हम लोग इंपोर्टेंट अब इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी के अंदर पहला हम देखेंगे एटम के बारे में यानी कि परमाणु एटम अब हम परमाणु के बारे में बात करेंगे कि परमाणु के बारे में किसने बताया था और परमाणु होता क्या है और उसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं तो सबसे पहले परमाणु के बारे में बताया था महर्षि कणाद ने महर्षि कणाद ने मतलब दोस्तों हम लोग जनरली साइंस जब पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा डोल्टन आता है कि परमाणु का जनक किसको बोला जाता है या परमाणु का खोज करता किसको बोला जाता है तो हम डोल्टन को बोलते हैं लेकिन सबसे पहले परमाणु के बारे में बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे महर्षि कणाद और जैसा हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि 500 सौ ईसा पूर्व 1000 हजार ईसा पूर्व 4 लाख वर्ष पूर्व ईसा पूर्व यानी कि हम लोग क्या करते हैं तो हम लोग उसमें बात करते हैं कि बहुत सालों पहले की बात है तो ये मेर से कणाद है इन्होंने 500 सौ ईसा पूर्व यानी कि बहुत सालों पहले इन्होंने परमाणु के बारे में बता दिया था लेकिन आप सब लोग जानते हो कि शुरुआत में जब भी जैसे कोई बताता है कि ये ये चीज होती है तो हर कोई उसको मानने के लिए तैयार नहीं होता है जैसे आप भी बहुत बार देखते होंगे कि यार क्या है इसको पता तो है नहीं इसके बारे में कुछ भी बोले जा रहा है, इसके बारे में, आ, मतलब, क्या है मतलब लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं लेकिन अगर उसी चीज को दोबारा से कोई आपके सामने प्रस्तुत करता है तो आपको लगता है हाँ यार इसकी इम्पोर्टेंस तो ये है तो बेचारे ये जो महर्षि कणा थे इनको कोई समझ नहीं पाया इन्होंने बहुत पहले परमाणु के बारे में बता दिया था पांच सौ ईसा पूर्व और इन्होंने वैसे ही परिभाषित किया जैसा ने किया कि गिरती कि है, है जिसका कुछ आयतन होता है जो कुछ स्थान गिरती है वो सारी की सारी वस्तुएं किसम आती है पदार्थ के अंदर आती है तो महर्षि कणाद ने भी इसी तरीके से परिभाषित किया कि किसी भी वस्तु को जब हम तोड़ते जाएंगे तोड़ते जाएंगे तो एक अवस्था ऐसी आएगी एक स्टेज ऐसी आएगी जब हम उसको और आ, अन्य छोटे कण में या अन्य सरलतम पदार्थ में विभक्त नहीं कर पाएंगे तो वो जो साइज होगा या वो जो कण होगा उसको क्या नाम दिया उन्होंने परमाणु दिया था लेकिन इनकी इम्पोर्टेंस कोई नहीं समझ पाया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सर्वप्रथम परमाणु के बारे में बताया और परमाणु के बारे में क्या बताया कि पदार्थ का सबसे सरलतम कण को ही क्या बोला इन्होंने परमाणु बोला अब आपको पता है जैसे कोई भी बात अगर, अगर अपने को नॉर्मली कोई कह रहा होगी भाई ऐसा ऐसा होता है लेकिन वही बात अगर, अगर अपने को कोई मतलब दूसरी बार में प्रस्तुत कर रहा हो या फिर अपने को कोई बड़ा आदमी कह रहा हो तो उसको हम ज्यादा ध्यान देते हैं तो फिर परमाणु के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक आए और उसका नाम था डोल्टन साहब तो दूसरा हो जाएगा डोल्टन अब इन्हीं की बात को इन्होंने रिपीट किया लेकिन परमाणु का खोजकर्ता का श्रेय किसको दिया जाता है डाल्टन को दिया जाता है अब डाल्टन साहब ने क्या बोला डाल्टन ने वही बात की कि कोई भी पदार्थ हो चाहे वो मिश्रण हो चाहे यौगिक हो चाहे अणु हो वो सारे के सारे पदार्थ छोटे-छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं और उस छोटे कण को क्या बोलते हैं परमाणु बोलते हैं या फिर इसको दूसरी लैंग्वेज में यानी कि कणा के अगर हम बात करें तो इसने क्या बताया कि कोई भी पदार्थ हो उसको जब हम विभाजित करेंगे तो जो सबसे सरलतम रूप आएगा सबसे छोटा कण जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं परमाणु बोलते हैं तो बात वो कि वही है इन्होंने दूसरी तरीके से इसको क्या कर दिया प्रस्तुत कर दिया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इनके अनुसार कोई भी पदार्थ जैसे कोई कोई भी पदार्थ के अंदर जैसे वो क्या हो सकता है मिश्रण यौगिक हो सकता है यानी कि कंपाउंड हो सकता है मिश्रण हो सकता है यानी कि मिक्सर हो सकता है इसके अलावा वो अणु हो सकता है यानी कि मोलिक्यूल हो कोई भी पदार्थ जैसे यौगिक हो सकता है अणु हो, हो सकता है छोटे छोटे कणु से बना होता है और इन छोटे से छोटे कण को ही इन्होंने क्या बोला परमाणु बोला इसीलिए डोल्टन को बोला जाता है परमाणु का खोजकर्ता तो यहां पर हम लिख सकते हैं परमाणु का खोज करता तो ये हम लोगों ने बात की परमाणु के बारे में और परमाणु अगर समझ में आ गया होगा तो जो भी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ेंगे वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी अब हम बात करते हैं दूसरा अणु यानी कि मॉलिक्यूल हमने परमाणु के बारे में क्या बोला कि कोई भी पदार्थ जिसका सबसे छोटा कण अविभाज्य कण वो क्या होता है परमाणु अब हमें पता है कोई भी जो नया पदार्थ बनेगा वो इन्हीं परमाणु के संयोजन से बनेगा तो अणु में क्या होता है जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं रासायनिक संयोजन करते हैं तो किसका निर्माण होता है मोलिक्यूल का निर्माण होता है अणु का निर्माण होता है तो यहां पर हम लिख सकते हैं दो या दो से अधिक परमाणु से या परमाणु के रासायनिक संयोजन से बनता है दोस्तों इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो परमाणु होते हैं उनका कोई भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है यानी कि वो कभी भी फ्री अवस्था में नहीं पाए जाते हैं लेकिन यदि हम अणु की बात करें तो ये जो अणु होते हैं ये स्वतंत्र अस्तित्व होता है और ये क्या करते हैं जो विभिन्न तरह की रासायनिक अभिक्रिया होती है ये उनमें भाग लेते हैं तो ये इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है अणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव अणु का स्वतंत्र अस्तित्व संभव तथा ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं जैसे यहाँ पर हम लोग कुछ उदाहरण देख सकते हैं जैसे हाइड्रोजन का परमाणु और हाइड्रोजन का परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं हाइड्रोजन का अणु बनाते हैं इसी तरीके से क्लोरीन का परमाणु और क्लोरीन का परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं क्लोरीन का अणु बनाते हैं इसी तरीके से नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का परमाणु अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं नाइट्रोजन गैस बनाते हैं इसी तरीके से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं औ टू का अणु का निर्माण करते हैं तो हमने देखा कि ये सारे के सारे परमाणु हैं और परमाणु आपस में रिएक्शन करके किसका निर्माण करते हैं अणुओं का निर्माण करते हैं तो आई थिंक आपको परमाणु और अणु के बारे में समझ में आ गया होगा अब हम इसी के नेक्स्ट देखेंगे तत्व तो हमारी नेक्स्ट सेटिंग हो जाएगी तत्व तत्व एलिमेंट अब कभी कभी क्या होता है कि बच्चा क्या करता है बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ता नहीं है वो सारी की सारी चीज़ें जो अपर लेवल की होती है उनको क्या कर लेता है रट लेता है लेकिन एग्जाम्स में देखा जाता है कि आपको बिल्कुल बेसिक चीज़ों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो जब हमारे बेसिक क्लियर नहीं होते हैं टर्मिनोलॉजी क्लियर नहीं होती है तो उस कंडीशन में हम लोग उस आंसर को क्या कर देते हैं गलत कर देते हैं अभी पिछले महीनों के अंदर ही स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था उसमें जो ये पदार्थ वाला चैप्टर है यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो भी मैं आपके साथ एक दिन डिस्कस करूंगी तो हमारा टॉपिक चल रहा था तत्व या एलिमेंट अब तत्व को हम किस किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं तो पहला होता है कि ऐसा पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो तो पहली परिभाषा क्या हो गई कि जब किसी पदार्थ में सारे के सारे परमाणु एक जैसे होंगे तो वो क्या कहलाएगा तत्व कहलाएगा और हमें पता है कि जब सारे परमाणु एक जैसे होंगे तो पदार्थ क्या होगा शुद्ध होगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि पदार्थ का शुद्धतम रूप क्या कहलाता है तत्व कहलाता है तो यहाँ पर हम इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जिसमें सभी परमाणु समान हो या पदार्थ का शुद्धतम रूप प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटर पदार्थ का शुद्धतम रूप ये क्या कहलाता है तत्व कहलाता है और ये वाला जो लाइन है ये किसी एग्जाम में पूछी जा पूछी गई थी कि पदार्थ का शुद्धतम रूप है तो पदार्थ का शुद्धतम रूप क्या कहलाता है तत्व कहलाता है अब मैं आपको यहाँ पर कुछ उदाहरण बताती हूँ जैसे हम बात करें सोना चांदी तांबा सबसे पहले जैसे मैंने लिखा सोना अब आप सोने का मतलब सोने से मत समझ लेना सोना का मतलब यह गोल्ड से है सिल्वर कोपर जो तांबा होता है इसी को हम क्या बोलते हैं कॉपर बोलते हैं तो वैसे तो ये प्योर नहीं होते हैं लेकिन हम वास्तविकता में बात करें तो जो सोना होगा जैसे सोने की कोई भी ज्वेलरी होगी तो ओब्वियसली उसमें सारे के सारे परमाणु किसके होंगे सोने के होंगे चांदी की कोई भी ज्वेलरी होगी या चांदी चांदी का कोई भी पदार्थ होगा तो उसमें सारे के सारे जो एटम्स होंगे वो किसके होंगे चांदी के होंगे, होंगे ठीक है इसका होता है एयू सिंबल इसका होता है ए और इसका होता है सी और इसी तरीके से हम तांबे की बात करते हैं तो तांबे का कोई भी पदार्थ होगा तो उसमें सारे, सारे के सारे परमाणु किसके होंगे तांबे के होंगे तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा तत्व के बारे में फिर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यौगिक यानी कि कंपाउंड और दूसरा होता है मिक्सचर इसी को हम लोग साथ में ही लेंगे क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है मिश्रण यानी कि मिक्सचर अब देखो यौगिक वही वाली बात है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ किसी निश्चित अनुपात में क्या करते हैं अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाता है यौगिक कहलाता है और जब दो या दो से अधिक पदार्थ कोई निश्चित अनुपात में रिएक्शन नहीं करके किसी भी अनुपात में उनको क्या किया जाए मिला दिया जाता है और नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं मिश्रण बोलते हैं जैसे कि निश्चित अनुपात जैसे आपको पता है आजकल वैसे भी कोविड नाइन्टीन की वजह से क्या हो रहा है शादियों के अंदर लोगों की संख्या फिक्स कर रखी है तो वो एक तरीके से हम लोग क्या बोल सकते हैं यौगिक बोल सकते हैं और जब ऐसी कोई पाबंदियाँ नहीं होती हैं तब क्या होता है कि सारे के सारे लोग उसमें आमंत्रित होते हैं तो यानी कि कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है जैसे हम लोग सोच रहे होते हैं कि भाई इसमें हजार लोग आएंगे तो हजार की जगह कभी कभी तो पता चलता है कि पांच हजार लोग भी आ जाते हैं तो आप ऐसे भी एग्जांपल्स को ध्यान में रखते हुए भी इनको याद रख सकते हो तो यहाँ पर हम लिखेंगे जब दो या दो से अधिक पदार्थ अब पदार्थ में क्या हो सकते हैं वो अणु भी हो सकते हैं तत्व भी हो सकते हैं कोई भी हो सकते हैं जब हम फिक्स रेशियो ले लेंगे भी इतनी मात्रा में ये वाला मिलाना है और इतनी मात्रा में ये वाला मिलाना है तो उसको हम क्या बोल देंगे यौगिक बोल देंगे तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ निश्चित अनुपात में निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन करते हैं तो अणु का निर्माण होता है जैसे कोई भी उदाहरण ले सकते हैं जैसे यहां पर मैंने उदाहरण लिया एन टू प्लस थ्री एच टू से बना टू एन एस थ्री अब इस रिएक्शन के माध्यम से भी आप समझ सकते हो जैसे यहाँ पर अगर हमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है मतलब वहां पर वन है और बाकी आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर थ्री है यहाँ पर टू है तो इसका मतलब यह है कि हमने एक अनुपात में नाइट्रोजन गैस को मिलाया तीन अनुपात के अंदर हाइड्रोजन को मिलाया तो दो अनुपात के अंदर हमें क्या प्राप्त हुआ अमोनिया गैस प्राप्त हुई तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं नाइट्रोजन अनुपात हाइड्रोजन अनुपात अमोनिया तो अनुपात क्या हो जाएगा वन टू और थ्री सॉरी वन थ्री और टू तो ये हो गया हमारा यौगिक अब ये जो यौगिक होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं मेनली इसमें पहला होता है आयनिक यौगिक आयनिक कंपाउंड दूसरा होता है सह संयोजक योगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉरी कोवेलेंट कंपाउंड और तीसरा होता है उप सह संयोजक यौगिक जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो ये टाइप्स तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिए जनरली यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं वो कोई पर्टिकुलर साइंस से रिलेटेड होता है जैसे रेट लेवल साइंस की बात करें या फिर अदर कोई साइंस की बात करें तो वहाँ पर यहाँ से डीपली क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना रहती है जैसे नीट वगैरह है आई वगैरह है इसके अंदर और जनरली जनरल साइंस जिस भी एग्जाम में पूछी जाती है वहाँ आपको अगर ये भी पता है कि निश्चित अनुपात में पदार्थों के रिएक्शन करने से नया पदार्थ जो बनता है उससे किसका निर्माण होता है यौगिक का निर्माण होता है और जब दो या दो से अधिक पदार्थ जब दो या दो से अधिक पदार्थ बिना किसी निश्चित अनुपात के बिना किसी निश्चित अनुपात के नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं मिक्सर बोलते हैं अब इसके उदाहरणों की बात करें तो बहुत अच्छे उदाहरण आपको घर में देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आ, हम लोग जनरली घर में क्या बनाते हैं चाय बनाते हैं तो अब चाय में हम लोग दूध मिलाते हैं थोड़ा बहुत पानी भी मिला देते हैं साथ साथ में और फिर हम लोग क्या मिलाते हैं उसमें शक्कर मिलाते हैं चाय पत्ती मिलाते हैं तो आ, हम ऐसे थोड़ी नाप के मिलाते हैं तोल के मिलाते हैं कि भाई इसको सौ ग्राम मिलाना है इसको दो सौ ग्राम मिलाना है पानी पाँच सौ एम एल मिलाना है ऐसा तो नहीं करते हैं ना हम क्या करते हैं अपने हिसाब से क्या कर देते हैं उन सबको ऐड करके टेस्ट करके देख लेते हैं भी हाँ मिट्टी हो गई कलर वाला ठीक आ गया तो ये भी किसका उदाहरण मान सकते हैं हम लोग मिक्सचर का उदाहरण मान सकते हैं इसी तरीके से जिसे नींबू पानी बनाते हैं तो नींबू पानी में हम लोग क्या मिलाते हैं शक्कर भी मिलाते हैं नमक भी मिलाते हैं पानी भी मिलाते हैं नींबू भी मिलाते हैं तो इनका भी कोई फिक्स रेशियो नहीं लेते हैं तो ये भी हम लोग क्या मान सकते है? हैं मानते हैं वैसे तो मैंने आपको ऐसे उदाहरण बताए जिनको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं लेकिन में जनरली हम लोग अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हिसाब से देखें तो मिश्रण में क्या होता है जब हम दो या दो से अधिक अवयवों को मिलाएंगे ना आपस में मिक्स करेंगे तो वो आपस में रासायनिक अभिक्रिया नहीं करेंगे वो सेपरेटली क्या करेंगे अपने गुणधर्म जो होंगे वो शो करेंगे जैसे क्या होता है कि एक क्लास में बहुत तरह के बच्चे मतलब बैठते हैं पढ़ने के लिए तो उसमें टीचर जो होता है वो सामने खड़े होकर उनको ऐसे ऐसे मतलब अच्छे अच्छे लेक्चर सुनाता है कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए ये आपके लिए सही है ये आपके लिए नहीं है लेकिन हकीकत तो यही है कि भाई बच्चों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है उसका तो यानी कि वो जैसे वे वो है वैसे के वैसे ही रहते हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है तो सेम ऐसा ही मिक्सचर के साथ में है तो जैसे हमने पानी के अंदर रेत मिला दिया तो कभी पानी के अंदर रेत मिक्स होगा क्या नहीं होगा तो वो भी किसका उदाहरण है मिक्सर का उदाहरण है तो ये हो जाएगा हमारा नमक प्लस रेत इसी तरीके से जैसे मैंने बताया नींबू पानी वगैरह तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि जल प्लस नमक इसी तरीके से जल प्लस सफकर अब आपको मैंने यहाँ पर जो उदाहरण लिखे है वो दो तरीके से दिख रहे होंगे एक तो ऐसे पदार्थ जो मतलब एक तो ऐसा मिश्रण जो अपने को सेपरेटली दिखाई दे रहा हो मिलाने के बाद भी और कुछ उदाहरण मैंने ऐसे लिखे हैं जिसमें आपको ये पता चल रहा होगा कि मिलाने के बाद हमें एक जैसा सॉल्यूशन दिखता है सेपरेटली अपने को जो कॉम्पोनेंट होते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं तो इस आधार पर मिक्सर जो होता है ये दो प्रकार का होता है पहला होता है समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा होता है विस मांगी मिश्रण यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर अब इसकी परिभाषा लिखवाने की जरूरत नहीं है आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा समांगी यानी कि ऐसा मिश्रण जो समान रूप से एक समान रूप से वितरित हो हमें अलग अलग पदार्थ या अलग अलग अवयव दिखाई नहीं दे रहे हो जैसे कि जल और नमक जैसे कि जल और शक्कर तो जब हम इनको मिक्स करते हैं तो हमें एक जैसा पदार्थ दिखाई देता है पानी में देखने पर यह पता नहीं चलता है कि नमक अलग है और पानी अलग है या शक्कर अलग है और पानी अलग है इसी तरीके से दूसरा होता है

हमारा जो इसके आगे पदार्थ के अंदर ही नेक्स्ट जो है उसके अंदर हम देखेंगे कि किस किस तरीके के उसमें क्या होते हैं चेंजेस होते हैं यानी कि परिवर्तन होते हैं तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और फ्रेंड्स भौतिक और रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा टॉपिक हम पॉइंट कह सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप नाइन्थ टेंथ के अंदर किसी भी बोर्ड एग्जाम का अगर पेपर उठा के देखेंगे या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस का टॉपिक अगर दिया हुआ है तो श्योरली आपको उसके एग्जाम में उसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे तो आज के लिए इतना ही थैंक यू फ्रेंड्स